हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को हम अच्छे से डिस्कस है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, एजुकेशन एक तो वो होती है, जैसे कि अभी हमने पहले स्कूलों में जो देखा था कि बच्चे टीचर्स आके पढ़ा देते थे, फिर बच्चे वही एग्जाम में जाके लिख देते थे, मार्क्स मिल जाते थे, डिग्री मिल जाती थी, बस ठीक है, हो जाता काम। उसके बाद बच्चों को कहीं भी जॉब वगैरह करनी होती थी तो उनको ट्रेनिंग करनी होती थी और उसके बाद उनको जॉब वगैरह मिलती थी। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि उनको एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाए। मतलब एजुकेशन जब उनको दी जा रही है, जैसे वो 10th क्लास में 12th क्लास में, तो उनको साथ साथ एक तरीके से प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस करवाया जाए और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए साथ साथ में, कि वो आगे जॉब के लिए उनको वापस स्किल वगैरह के लिए भागना ना पड़े। क्योंकि अभी देखो हमारे देश में क्या हो रहा है, जैसे किसी ने भी बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह किया तो उसका क्या होता है, पहले डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनको जिस भी कंपनी में जाना होता है तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह वैसे प्रोग्राम वगैरह करने पड़ते हैं। पर अगर आप देखो कि वहीं पर अगर एजुकेशन दी जा रही है तो उनको उसी के साथ बच्चों को स्किल वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाए, तो फिर बच्चों का टाइम भी बचेगा और जिस स्किल की उनको जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन है वो ले लेंगे कि हाँ भाई मेरे को इस फील्ड में जाना है और मेरे को इसी मामले में ज़्यादा स्टडी वगैरह करनी है। तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा है वो देनी चाहिए, ट्रेनिंग बेस्ड एजुकेशन है वो हमें प्रोवाइड हो करनी चाहिए। इसी चीज़ को राइटर है वो बता रहे हैं कि देखो बात ऐसी है कि हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे, 1st नंबर पे आपको पता है चाइना है, 2nd नंबर पे इंडिया है। तो यहाँ पे बात ये बताई जा रही है कि अगर इंडिया अभी भी टाइम है और अगर इंडिया के मतलब इंडिया अभी भी अपने यूथ को, अभी जो युवा पीढ़ी है, अगर उसको स्किल नहीं दे पाएगा तो फ्यूचर में ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है वो बन सकती है। क्योंकि जो स्किल्ड पॉपुलेशन होती है उसकी हमें एक अर्जेंट नीड है, अदरवाइज ये हमारे ऊपर एक समस्या या बोझ बन के रह जाएगी। अगर अभी हम इसका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन करते हैं या इसको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और इनको स्किल वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है और इससे हमारे देश को भी फायदा होगा। अब यहाँ पे फिर आगे बात आती है कि देखो अगर यूथ को स्किल वगैरह नहीं दी जाती तो होता क्या है। अब आप जानते हो कि अगर जो युवा लोग हैं अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए गए, फिर वो कोई ना कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि क्या होगा, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे कि वो चोरी चकारी करना शुरू कर देंगे या फिर कोई भी इलीगल ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे कि हमारी सोसाइटी की भावना है उसको हाथ होगी, या फिर वो किस तरीके से अवैध इलीगल काम करने लगेंगे, स्मगलिंग वगैरह, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, जो कि हमारे देश के लिए भी अच्छी नहीं बात है और ना ही हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात है। तो बात ऐसी है, राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट स्किल के लिए बहुत से प्रोग्राम लेके आ रही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आए हैं, बहुत से गवर्नमेंट प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री स्किल जनरेशन प्रोग्राम भी आए हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ पे फोकस ये किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो स्किल के प्रोग्राम आ रहे हैं ना उनका इतना आउटपुट नहीं आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट स्कीम तो लेके आ रही है बट उनका रियल जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्क है ना वो नहीं दिख रहा है। और इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले ये करना होगा कि जो ग्राउंड लेवल पर काम है वो करना होगा कि हाँ भाई लोगों को ऐसा लगे और लोगों को रोजगार मिलना भी चाहिए। मिलेगा कब, जब उनको स्किल मिलेगी, तो गवर्नमेंट को स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसके साथ हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हमें चेंजेस करके ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ही स्किल मिल सकें, ताकि वो आगे फिर इधर उधर भागे ना। इसके बाद में कमेटी का यहाँ पे जिक्र आता है, वो आती है शारदा प्रसाद कमेटी, जो कि 2016 में आई थी। तो इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन वगैरह दिया था स्किल वगैरह के लिए। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन में ये था कि भाई गवर्नमेंट को स्किल वगैरह वो प्रोवाइड करने के लिए तरह तरह के स्टेप वगैरह उठाने। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो अभी गवर्नमेंट को लागू कर देनी चाहिए और इसमें जो भी अच्छे अच्छे प्रावधान है उन प्रावधान को गवर्नमेंट को एक्सेप्ट है वो कर लेना चाहिए। आगे फिर बात आती है स्किल इंडिया के बारे में कि देखो गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया था स्किल इंडिया प्रोग्राम। अभी देखो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने लोगों को स्किल देने के लिए बहुत लेवल पे या बड़े लेवल के ऊपर प्रोग्राम वो चलाए, बट जो स्किल इंडिया इसके दो मेन फायदे हैं, दो मेन पिलर होते हैं। सबसे पहला बात तो ये होती है कि एक तो स्किल देने हैं, एक तो जिस पर्सन को जरूरत है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसको स्किल देने की जरूरत है, तो एक तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया कि भाई उसको स्किल देंगे तो उसको भी फायदा होगा, उसको रोजगार वगैरह मिलेगा, उसको पैसे वगैरह मिलेंगे। बट इसी के साथ जो स्किल दे रहा है, जैसे जो इंस्टीट्यूट वगैरह स्किल प्रोवाइड कर रहा है उसको भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि उसमें उसकी रिसर्च उसकी जो स्किल वगैरह दी जाएगी तो उसमें फायदा होगा कि भाई उसमें नए इनोवेशन वगैरह आएंगे, नए आइडियाज़ वगैरह आएंगे, तो उससे ऑल ओवर जो फायदा है वो जो जॉब देने वाला है उसको भी फायदा होगा और जो जॉब ले रहा है उसको भी फायदा होगा। मतलब जो खरीद रहा है उसको भी फायदा हो रहा है और जो सेलर है उसको भी इस चीज में फायदा हो रहा है, तो ऑल ओवर दोनों को प्रॉफिट होगा। और गवर्नमेंट को स्किल इंडिया में यही प्रावधान करना चाहिए कि भाई जो स्किल या जो इंस्टीट्यूट स्किल दे रहा है उसको भी फायदा होना चाहिए और जो यूथ स्किल ले रहा है उस स्किल उस यूथ को भी फायदा है वो ऑल ओवर होना चाहिए।
और सबसे बड़ी हमारे देश की यहाँ फिर एक समस्या का जिक्र किया जा रहा है, वो आ रही है यहाँ पे कि भाई बच्चों को जो रोजगार मिल रहा है ना हमारे देश में, वो उनकी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि हमने काफी बार देखा है, ये हमारे देश की काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे लोग हैं नॉर्मली बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह कर लेते हैं, बट उसके बाद भी उनको उस लेवल की जॉब वो नहीं मिलती होती है। किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक वगैरह किया बट उनको जॉब मिलती है आईटी सेक्टर में, या फिर उनको काफी टीचर्स की जॉब मिलती है, मतलब उनको जो लेवल है उनका या उनकी जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल रही। तो उसका साफ साफ मतलब क्या है कि एक तरह से वो बेरोजगार ही तो है, कि भाई जो जितने वो जिस काम के लिए योग्य हैं वो तो उन्हें काम मिल नहीं रहा है, इसके अलावा फालतू में जो छोटे मोटे काम वो उन्हें करने पड़ रहे हैं। जैसे कि किसी ने बीटेक कर लिया, मेडिकल वगैरह कुछ भी कर लिया, और उसके बाद बेचारा घर में खेती करा, तो उसके लायक काम थोड़ी है, खेती तो कोई और आदमी भी कर सकते हैं। तो मतलब जैसी स्किल है उसके पास, जैसा उसके पास टैलेंट है, उस टैलेंट के अकॉर्डिंग भी रोजगार नहीं मिल रहा है। और टैलेंट के अकॉर्डिंग रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे एक रीजन भी बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके पीछे रीजन ये आ रहा है, वो आता है, देखो यहाँ पे हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं तभी ये पॉइंट हमें समझ में आएगा। जैसे कोई भी देश की इकोनॉमी होती है ना, उसमें तीन स्टेप होते हैं मेनली। एक तो होता है उसका प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा होता है उसका सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है उसका टर्शियरी सेक्टर। अब बात ऐसी है कि हमारे देश में जो प्राइमरी सेक्टर है इसके ऊपर भी फोकस किया गया था, नो डाउट। जैसे कि किसान वगैरह जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं वो हो गया प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वाला। सेकेंडरी सेक्टर होता है, वो होता है मैन्युफैक्चर सेक्टर, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। तो आप जानते हो कि सर्विस सेक्टर हुआ ये क्या है, इसमें काफ़ी मतलब हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करनी है तो काफ़ी अच्छा टैलेंटेड जो आदमी है उसी की जरूरत होगी। तो इसमें भी रोजगार वो एक लिमिटेड मात्रा में रोजगार मिलते हैं सर्विस सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि ओब्वियसली प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक लिमिट के बाद आप ज़्यादा खर्चा वगैरह मतलब ज़्यादा ज़्यादा रोजगार वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा सकते। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो किसी भी देश के लिए इकोनॉमी के लिए, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं मेनली मैन्युफैक्चर सेक्टर। और हमारे देश में क्या गलती हुई, हमारे देश में गलती ये हुई कि गवर्नमेंट ने प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया और उसके बाद डायरेक्टली सीधा टर्शियरी सेक्टर पे फोकस किया, मतलब सेकेंडरी सेक्टर को बीच में खाया गया। अब इसकी से दिक्कत क्या हुई कि मैन्युफैक्चर सेक्टर में हमारे देश में जॉब वो क्रिएट नहीं हो रही है, और इसकी वजह से समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है वो बनी हुई है। देखो चाइना का जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए चाइना के आजकल टाइम पे आप देख सकते हो कि छोटे छोटे मोबाइल आ रहे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मतलब बहुत से वो क्या है वो मैन्युफैक्चर सेक्टर का तो ये एग्जाम्पल है। मतलब बात यह है कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया का स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पे फोकस किया, जिसकी वजह से हमारे देश में जो बीच वाला एरिया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है वो काम ही नहीं कर रहा है, और इसीलिए हमारे देश में मैक्सिमम जो यूथ है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसलिए फोकस करना चाहिए कि भाई जो स्कूल में एजुकेशन दी जा रही है ना उसमें एक किलो एजुकेशन तो होनी होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, इसके साथ स्किल भी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन पे साथ स्किल है वो प्रोवाइड करा रही है तो बच्चों का ज़्यादा आउटकम वो आएगा और उनको फिर रोजगार वगैरह के लिए इधर उधर घूमना नहीं होगा। और अब देखो हमारे देश में गवर्नमेंट कर क्या रही है, मैन्युफैक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम वो लेके आ रही है, प्रोग्राम लेके आ रही है नो डाउट, बट अभी यूथ के पास स्किल नहीं है तो स्किल देने में भी उनको टाइम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यही सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, तो इसीलिए हमारे देश की मैक्सिमम यूथ बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चर सेक्टर में जॉब करने के लिए स्किल ही नहीं है। अगर मैन्युफैक्चर जॉब में मैन्युफैक्चर सेक्टर में उनको काम करना है तो पहले तो उनको स्किल चाहिए, तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर के लिए स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी ये सेक्टर आगे बढ़ेगा। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी देश का आगे नहीं बढ़ता है तब तक उसकी इकोनॉमी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती। एक लिमिट के बाद सर्विस सेक्टर की देखो लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद सर्विस सेक्टर वो काम नहीं कर पाता है। इसके बाद में देखो राइटर ये कह रहे हैं लास्ट में कंक्लूजन में कि देखो गवर्नमेंट बहुत अच्छी बात है कि बहुत सी पॉलिसीज लेके आ रही है, बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप उठाए भी हैं, बट राइटर का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को पहले तो सर्वे वगैरह वो करवाने चाहिए और उसके बाद ये देखना चाहिए कि भाई पॉलिसी में कमियां कहाँ पे है। जब गवर्नमेंट सर्वे वगैरह करवाएगी और देखेगी कि हाँ भाई इस क्षेत्र में डिमांड ज़्यादा है और हमें ऐसी ऐसी स्किल की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए, तभी ऐसा ये काम है, तभी हमारे देश की इकोनॉमी है और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने आँख बंद करके पॉलिसी बना दी कि हाँ भाई स्किल देनी है स्किल देनी है, भाई कौन सी स्किल देनी है, उस स्किल का नाम तो होना चाहिए ना कि हमें मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए, जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने की स्किल देनी है, किसी को हमें टीचिंग की स्किल देनी है, क्या स्किल देनी है आपको, अकेला आप वो स्किल तो बताओ ना तभी तो काम होगा ना, बस एक नाम रटर का कि भाई स्किल देनी है कौन सी स्किल है। तो वही बात राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सब कुछ क्लियर रखना होगा और जैसे डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक काम है वो करना होगा। ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आरबीआई के बारे में, आरबीआई और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लेते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 सदस्य होते हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में पूछ सकती है। 6 सदस्य में 3 सदस्य होते हैं वो तो होते हैं आरबीआई की साइड से, और 3 सदस्य होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी का काम ये होता है
कि जो हमारे देश में जो भी महंगाई वगैरह है इसको रेगुलेट करना, इसके साथ ही जो और भी बैंकों की जो रेपो रेट वगैरह है, RBI वगैरह जो फिक्स करता है, वो सारे काम मॉनिटरी पॉलिसी के द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब हमारे देश में मौद्रिक नीति जो भी बनाई जाती है वो मॉनिटरी पॉलिसी के द्वारा ही बनाई जाती है। इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करना हो या फिर कभी बार मंदी वगैरह होती है तो उस टाइम पर सारे काम जो साम दाम दंड भेद होते हैं वो मॉनिटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो ही करती है। इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं RBI के जो हेड है वो इसके हेड होते हैं। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि RBI के हेड है वो कौन है। खैर यूपीएससी तो इतना इजी क्वेश्चन होगा नहीं पूछने वाली है। अब चलते हैं हम आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो RBI है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और वो एक्चुअली पॉलिसी मेकर भी है। किस लिए पॉलिसी मेकर है? केवल मॉनिटरी पॉलिसी के लिए। मतलब वही पॉलिसी वगैरह डिसाइड करता है कि हाँ भाई रेपो रेट अभी रखनी है, महंगाई को हमें यहाँ तक कंट्रोल वगैरह करना है, तो इसकी तरफ हम फोकस करते हैं। तो राइटर यहाँ पे मेनली दो तीन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो आती है इन्फ्लेशन पे, तो इन्फ्लेशन को लेकर यहाँ पे दो तीन पॉइंट है वो देखते हैं। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको एक्चुअली ये प्रावधान किया गया कि भी उसको जो महंगाई है ना वो 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करके रखनी है। मतलब ऐसा नहीं हो, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि आज कोई भी चीज़ है वो 100 रुपये की मिल रही है, मान लो कि एक बिस्किट का डिब्बा है वो 100 रुपये का मिल रहा है। खैर बहुत महंगा हो गया बट हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपये का बिस्किट का डब्बा है। अब ये बिस्किट का डब्बा है ना या तो 100 मैक्स मिनिमम तो बिक सकता है नॉर्मली कि 102 में, इसके बाद में 6% का मतलब क्या हो गया ये 106। मतलब ये बिस्किट का डिब्बा ऐसा नहीं हो कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाए कि भाई 106 रुपये से ज़्यादा महंगा बिक रहा हो, और ना ही ऐसा हो कि भाई ये जितनी रेट है 100 से अब जो 102 हो गई मतलब ये इससे सस्ता भी नहीं मिलना चाहिए। तो देखो ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि महंगाई है ना एक नॉर्मल महंगाई हमारे देश की इकोनॉमी के लिए जरूरत भी होती है। अगर महंगाई एक धीरे धीरे एकदम स्लो स्लो नहीं बढ़ेगी तो हमारे देश की इकोनॉमी भी नहीं बढ़ सकती। जैसे आप ये देख सकते हो कि आज से 5 साल पहले जो किराया था मेट्रो का किसी बस का किराया, अगर वही किराया आज रहता तो बेचारे बस वाले लोग कैसे अपनी आजीविका को गुजारा करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे महंगाई वो बढ़ना जरूरी भी होती है देश की इकोनॉमी के लिए। बस ये है कि सडन महंगाई वो नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे आज है वो बस का किराया 10 रुपये और कल सीधा किराया 50 रुपये हो जाए, वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी कंडीशन नहीं होती है। ये होना चाहिए कि भाई धीरे धीरे सिक्वेंस के अकॉर्डिंग महंगाई वो बढ़नी चाहिए। और इसीलिए RBI की जो मॉनिटरी पॉलिसी है इसमें फिक्स प्रावधान होते हैं कि भाई आपको जो महंगाई है ना वो 2 से 6% के बीच में रखनी होती है। मतलब इनको 4% की रेंज दे दी जाती है कि आप इस 4% की रेंज में महंगाई को कंट्रोल करना आपको मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह के थ्रू। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखो महंगाई है वो मेनली तीन तरीके की यहाँ पे महंगाई को राइटर द्वारा डिस्कस वो किया जा रहा है। सबसे पहले आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरी आती है कोर इन्फ्लेशन और तीसरी आती है रिटेल इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होती है जो कि एक्चुअली उसमें सारे प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है, मतलब ऑयल हुआ या फिर जो फूड वगैरह जैसी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो आपको पता है कि से ऑयल हुआ खाने पीने का या फिर जो एनर्जी की जो चीज़ें ना इनकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं ऑलमोस्ट। बाकी और चीज़ों की तो प्राइस है ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती है, बट जो ऑयल हुआ या फिर एनर्जी की जो चीज़ें होती हैं इनकी प्राइस में क्या है डेली वेरिएशन होता है। तो अगर इन सबको इंक्लूड करके महंगाई काउंट की जा रही है वो एक्चुअली हेड इन्फ्लेशन होती है या हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से जानी जाती है। और यह एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसकी प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसको जारी वो किया जाता है। कौन जारी करता है इसे? जारी किया जाता है वो क्या जाता है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिक्स के द्वारा। तो ये मेनली प्रीलिम्स के यहाँ पे फैक्टर बन जाता है। इसके बाद में अगला आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि वो महंगाई जिसमें से फूड और एनर्जी की जो महंगाई है उसको घटा दो। क्योंकि देखो फूड और एनर्जी की रेट से मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा वेरी करती रहती है डे बाय डे। तो अगर इनकी महंगाई को मैनेज कर दिया जाएगा तो हम समझ जाएंगे भाई टोटल महंगाई ऑल ओवर किस तरीके से वेरी है वो कर रही है। क्योंकि फूड और एनर्जी का तो कुछ फिक्स नहीं होता कि आज महंगाई कितनी है कितनी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कई बार जो टमाटर प्याज है वो एक दिन तो 10 रुपये किलो बिकते हैं, एक दिन 50 रुपये किलो जाते हैं। तो इसलिए अगर महंगाई को हटा दिया जाए तो होती है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन में मतलब होता है कि सारी महंगाई का जो ऑल ओवर उसमें सब कुछ इंक्लूड किया जाए वो। इसके बाद में बात आते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काउंट की जाती है। जैसे कि भाई चेक लेगी कि गेहूं के लिए महंगाई आप चेक कर रहे हो तो गेहूं के लिए आपको ना कोई तो बेस सेल लोगो ना कि रेफरेंस ईयर तो हमें लेना होगा कि आप उससे चेक करोगे भाई उस साल के एवज में महंगाई वो इतनी बढ़ गई है। तो इसमें एक तो बेस ईयर है या बेस प्राइस वो ले ली जाती है। पहली बेस ईयर डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे 2011-12 में गेहूं की 100 किलो की जो बोरी थी या कट्टा था उसकी प्राइस थी 2000 रुपये, तो आज प्राइस है वो होगी 2200 रुपये, तो मतलब 200 रुपये की महंगाई हुई है। तो उसको एक्चुअली काउंट किया जाता है, तो होती है रिटेल इन्फ्लेशन। सॉरी तो ये मेनली तीन तरह की इन्फ्लेशन वो यहाँ पे डिस्कस हो की गई है। तो मेनली आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें फूड एनर्जी ऑयल वगैरह की जो महंगाई है वो सब कुछ इंक्लूड होती है। और कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि उसमें फूड और एनर्जी या ऑयल वगैरह की जो भी महंगाई है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो वो कोर इन्फ्लेशन होती है। और इस पर यूपीएससी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है। जारी कौन करता है? जारी करता है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स के द्वारा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस आर्टिकल में जो कुछ पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आज आया है SC ST एट्रोसिटीज लॉ के बारे में।
आज है क्या इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल में आज ये डिस्कस किया गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को जो एससी एसटी का एट्रोसिटी जो एक्ट था इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए था, एंट्री करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके बारे में तीन पक्ष हैं, यस नो और कॉम्प्लिकेटेड। यस वाले ये कह रहे हैं कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट को जो एससी एसटी का एट्रोसिटीज एक्ट था इसमें एंट्री करनी चाहिए थी क्योंकि काफ़ी निर्दोष लोगों को इसमें सजा हो रही थी, जो कि कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि हमारे देश में ये प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है कि भाई जो निर्दोष लोग हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एंट्री की क्योंकि लगभग देखा जाए तो 15% कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट का मतलब क्या हुआ, कन्विक्शन रेट का मतलब भी होता है कि इसे 15% कन्विक्शन रेट का यहाँ पे मतलब भी होता है कि 100 केस अगर एससी एसटी के खिलाफ, 100 केस मतलब एससी एसटी एक्ट के खिलाफ अगर फाइल किए जा रहे हैं कोर्ट में तो उसमें से केवल 15% केस है वही सही है, बाकी 85% केस है वो फर्जी हैं। तो मतलब 15% केस है वही सही आ रहे हैं तो होगा कि 15% कन्विक्शन रेट है। मतलब बात यह है कि फर्जी केस काफी ज्यादा किए जा रहे थे और उसकी वजह से जो निर्दोष लोग हैं उनको सजा हो रही थी, जो कि कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि कानून निर्दोष लोगों को बचाने के लिए है और दोषियों को सजा देने के लिए है। तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संशोधन करना काफी जरूरी हो जाता है। तो ये थे येस के प्लस में, येस के फेवर में जो पॉइंट है वो डिस्कस किए जा रहे हैं इनके द्वारा। अब नो के फेवर में जो क्या पॉइंट आता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। नो के फेवर में जो राइटर है इनका यह कैसा कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट में एंट्री या जो एस सी एस टी एट्रोसिटीज एलो है इसमें एंट्री है नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी, इनका ऐसा कहना है कि देखो एस सी एस टी जो तबका है ना हमारी सोसाइटी में उसको आज भी काफ़ी लोअर माना जाता है, हालांकि कुछ एरियो में तो उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की बट बाकी देश के काफ़ी हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जहाँ पे पुलिस वाले इनके केस को कोई सीरियस नहीं लेते हैं। जब भी अगर अब देखो इनको क्या लगेगा, राइटर का ऐसा कहना है कि अब एस सी एस टी के जो यूथ जो जनरेशन है अगर ये अपने केस को फाइल करने जाएंगे कोर्ट वगैरह में तो कोर्ट वाले इनको डरा धमका के भगा देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि इनका शोषण और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर इनका शोषण और बढ़ेगा तो हमारे देश में असमानताएं और बढ़ेंगी तो वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हो जाएंगी, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात है वो नहीं है। मतलब कि केस अब धीरे धीरे कम केस रजिस्टर होंगे, अगर केस कम रजिस्टर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि यार सुनवाई के तो होगी नहीं, हमें तो कोई सुनने वाला है नहीं, हम क्यों जाके केस करें, क्योंकि हमारे तो सबसे पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान कर दिया है कि भाई आपकी सबसे पहले जांच होगी पूरे केस की कि हाँ आप दोषी आदमी है या नहीं है, जब तक दोषी हो वेरीफाई होगा तभी उसको जेल में सजा दी जाएगी, तो उसका मतलब तो हमें सजा मतलब हमारे फेवर में राइट है वो है ही नहीं। तो ऑलरेडी बात है कि सोसाइटी की हालत ख़राब है तबके की, तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट को एंट्री वो नहीं करनी चाहिए थी। अब जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट दिया जाता है इनका, एक्चुअली बैलेंस पॉइंट आता है इनका, ऐसा कहना है कि देखो सुप्रीम कोर्ट को एंट्री तो करनी चाहिए थी बट सुप्रीम कोर्ट ने जो यार जो कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि भाई 15% कन्विक्शन रेट है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 15% कन्विक्शन रेट का मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई जो 15% केस है वो फर्जी हैं, क्योंकि 15% केस सही है इसका मतलब ये तो है ना कि कहीं ना कहीं एस सी एस टी के खिलाफ एक तरीके से जो गलत केस या एस सी एस टी के खिलाफ मतलब गलत एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इसका मिसयूज़ है वो हो रहा है, मिसयूज़ तो देखो ऐसी बात नहीं कि हमारे देश में किसी भी एक्ट का नहीं हो रहा है, मिसयूज़ तो आप किसी भी एक्ट का ले सकते हो, चाहे वुमेन के लिए जो एक्ट बनाया गया उनकी बात को ले फिर कोई और भी एक्ट ले सकते हो, हर एक्ट का हमारे देश में मिसयूज़ होता है। तो दलितों के खिलाफ अगर ऐसा माहौल हो गया तो उनके खिलाफ केस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उनका शोषण और ज़्यादा होगा, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इनका पॉइंट ये कहना है कि देखो हमें एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को या जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि भाई एक ऐसा बैलेंस तरीका लेकर आना चाहिए कि इस एक्ट का मिसयूज वो ना हो, मतलब जो पॉलिसी वगैरह जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस एक्ट के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनमें इस तरीके से जो कार्यपालिका विधायिका है उसको एक तरीके से चेंजेस करने चाहिए कि भाई यहाँ पे वो संशोधन कर सकते हैं ताकि इस एक्ट का मिसयूज वो ना हो। हमें मिसयूज को रोकना है, ना कि हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई जो इस एक्ट की वैल्यू है वो खत्म हो जाए। जब तक हम एक बैलेंस अप्रोच नहीं लेकेंगे तब तक इसका फाइनल सॉल्यूशन है वो हमें नहीं मिलने वाला है। तो लास्ट में ही कहा जा रहा राइटर के द्वारा कि देखो हमें एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए था पहले तो हमारी पार्लियामेंट को, ताकि एस सी एस टी एक्ट में जो भी कमी है या जिनका फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग उन कमियों को दूर किया जा सके, या फिर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में इसमें इस तरीके से और संशोधन करने चाहिए कि जहाँ पे भी कमी आ रही है भाई कि शोषण मतलब कि दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों के खिलाफ गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर किस तरीके से लगाम हो लगाई जा सकती है, तो उसके लिए और भी स्टेप उठाए जा सकते हैं, और भी पॉलिसीज वगैरह वो बनाई जा सकती हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।